हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपके पास एक बहुत ही अच्छी रीडिंग लेके आया हूँ, जिसका इंतज़ार आपको हमेशा से रहता है, और वो है पीके पायल। सो मैंने दो पायल यहाँ सफल करके रखे हुए हैं, और आज की टॉपिक है डिवाइन गाइडेंस फॉर यू, जिसमें क्या मैसेजेस होंगे, क्या गाइडेंस होंगे और क्या ब्लेसिंग्स निकल के आएंगे डिवाइन के, वो मैं आपको अपने इंट्यूशन से बताऊंगा कार्ड की मदद से। सो एक जनरल रीडिंग है जो रेजोनेट करे रखे, रेजोनेट ना करे जाने दें। मेल फीमेल थर्ड जेंडर सेम सेक्स सभी के लिए है। नए टॉपिक्स के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पर डे मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ वहाँ पे। सो लेट्स सी पाइल वन में क्या है। तो पाइल वन में है एक डॉल्फिन, स्पिरिट गाइड मैसेज है डॉल्फिन का। अगर ये आपको ज़्यादा प्रभावित कर रहा है और आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है तो पाइल वन चूज़ कर सकते हैं डॉल्फिन। एंड सेकेंड फाइल है जिसमें माउस का स्पिरिट गाइड मैसेज होगा, और अगर माउस चूज़ करना चाहते हैं, अगर आपको ये पसंद आ रहा है अपने इंट्यूशन से, तो आप ये पाइल चूज सेकेंड पाइल चूज़ कर सकते हैं, पाइल नंबर टू। तो मैं एक बार फिर आपको दिखाता हूँ, ये पाइल वन डॉल्फिन एंड पाइल टू इज माउस। सो पहले पाइल टू को हम साइड कर देते हैं, एंड अब देखते हैं पाइल वन जिन्होंने भी चूज किया ये डॉल्फिन स्पिरिट गाइड मैसेजेस के लिए, डॉल्फिन है। तो यहाँ पे पाइल वन में जो भी जिन्होंने भी चूज किया है डिवाइन गार्डियंस के लिए, तो पहले मैं टैरोट से देखता हूँ, और उसके बाद जो ब्लेसिंग्स मैसेजेस निकल के आएंगे उसको मैं क्लेरिफाई करूँगा आपके पास। तो यहाँ पे आपके मैसेजेस हो गए, सो यहाँ पे रखते हैं साइड में, एंड देखते हैं कि क्या कुछ है टैरोट से आपके लिए, डिवाइन गाइडेंस क्या है, मैसेज क्या है, ब्लेसिंग्स क्या है। लेट्स सी। फोर कार्ड्स मैंने ऑलरेडी सफल करके निकाले थे। तो पहला कार्ड है हर्मिट, सेकेंड कार्ड इज थ्री ऑफ वैंड्स, थर्ड इज नाइट ऑफ वैंड्स एंड फोर्थ वन इज जस्टिस। तो यहाँ पे जो डिवाइन गाइडेंस आपके लिए आया, यानी कि अलौकिक शक्तियों के संदेश, दिव्य शक्तियाँ आपसे क्या कहना चाहती हैं, क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या होने वाला है आपके साथ। तो फर्स्ट कार्ड है हर्मिट। पहले ही कार्ड बहुत ही अच्छा एक मैसेज गाइडेंस देता हुआ आया है, और बहुत खूबसूरत अच्छा कार्ड है, सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड है ये, अपने में खुद के झांकने का कार्ड है। डिवाइन का पहला संदेश है कि आपको खुद के अंदर अंतरात्मा में झांकना होगा, आत्मनिरीक्षण करना होगा खुद का, क्योंकि अगर आप एक दुखी व्यक्ति हैं, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, या तो लव में या अपने काम में या किसी भी चीज़ में अगर सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो उसमें आपको आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा, आपको चिंतन करना पड़ेगा। चिंतन इन द सेंस कि आपको अंदर खुद से, अंतरात्मा से बात करनी होगी, अपने आप को खुद को समझना होगा, अपने अंतरात्मा में वापसी करनी होगी आपको। आपको अकेलापन चाहिए, अकेलेपन में अपने अंतरात्मा से पूछें कि आपको लाइफ में क्या करना है, किन चीज़ों पे मंथन करना है, किस चीज़ के लिए देखना है लाइफ में, और स्वयं की खोज पे जाना होगा आपको। अकेले ही आपको स्वयं की खोज पे जाना होगा। एक बहुत ही आत्मनिरीक्षण का कार्ड है, एक बहुत अच्छा फेस हो सकता है आपके लिए। कुछ दिनों के लिए आप अपने आप में अकेलापन लाएं, अकेले समय बिताएं, और जो चीज़ें चाहिए या जिन चीज़ों के बारे में आप पता करना चाहते हैं कि वो चीज़ है क्या, क्या कोई रिलेशनशिप है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, या उस बहुत कन्फ्यूजन में है, तो आपको उस चीज़ को या उस रिलेशनशिप को देखना होगा, अकेले रह के जानना होगा कि क्या वो सचमुच आपके लिए रिलेशनशिप है या नहीं है। तो इसमें अंतरात्मा की खोज करने के लिए डिवाइन का सबसे स्ट्रांग मैसेज है, स्वयं की खोज करें और निकल पड़े एक ऐसी खोज पे जहाँ आप सिर्फ अपने आप के सोल को, आत्मा को क्या चाहिए और सही में आपको क्या चाहिए वो आपको देखना होगा लाइफ में। बेवजह इधर उधर या कंफ्यूज माइंड से रहने से कोई फ़ायदा नहीं है,
आपको शांत दिमाग से देखना होगा कि क्या चाहिए आपको। एंड सेकेंड कार्ड है, ये एक ब्लेसिंग भी है आपके लिए, एक मैसेज भी है, और जो चीज़ आप चाह रहे थे वो अब होने वाली है। क्योंकि थ्री ऑफ वैंड्स आपको एक अचीवमेंट होता हुआ, दूरगामी अचीवमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है, एक नया शुरुआत होने वाला है, फ्रेश फ्रेश स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में, डिवाइन ये बता रहे हैं। कोई लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलने वाली है, हो सकता है ये कोई बिजनेस में हो सकता है, कोई व्यापार में, कोई ऐसी चीज़ जो आप बहुत डिटेलिंग में देख रहे थे, सोच रहे थे, उस चीज़ को वजूद में लाने की कोशिश कर रहे थे और इम्प्लीमेंट कर भी चुके हैं, कुछ लोग इम्प्लीमेंट कर भी चुके हैं, तो अब वो सक्सेस आपको मिलेगी। एक फ्रेश स्टार्ट होने जा रहा है जो लंबा समय तक वर्क करेगा। काम में प्रोग्रेस हो सकता है, जॉब करियर में भी प्रोग्रेस हो सकता है, थ्री ऑफ वैंड्स आप बता सकता है। कोई एक प्रॉपर्टी का एक्सपेंशन भी हो सकता है, और कुछ मुझे लगता है कि आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ स्टेट जाने, सिटी जाने की के लिए सोच रहे होंगे, अपने स्थान से दूर जाने के लिए सोच रहे होंगे आप किसी काम के सिलसिले में, तो वहाँ पे बात बन सकती है, एक अच्छा लॉन्ग टर्म वर्क मिल सकता है आपको। एंड ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए। लव में भी जिन चीज़ों का आपका इंतज़ार था उसमें सक्सेस मिलेगी आपको, और आपकी विश पूरी होने के चांसेस हैं डिवाइन द्वारा। सो यहाँ पे एक बहुत अच्छा मैसेज आपके लिए निकल के आया है। एंड नाइट ऑफ वैंड्स, तो नाइट ऑफ वैंड्स भी मुझे ये थ्री ऑफ वैंड्स को कॉम्प्लीमेंट करता नज़र आ रहा है, बल्कि उससे भी स्ट्रांग है। कहीं आप दूर जा सकते हैं काम के लिए, जा सकते हैं। एब्सेंस हो सकती है आपकी, जहाँ पे हैं वहाँ से अचानक से जा सकते हैं, अचानक से निकल पड़ेंगे अपने काम के लिए, और प्रिपेयर होके फ्रेंडली रहेंगे सबके साथ। अपना घर बदल सकते हैं, कुछ लोग अपना घर चेंज कर सकते हैं, और बहुत ही फास्ट है यहाँ पे। तो लव के मामले में भी मुझे बहुत अच्छा ये कार्ड आ रहा है कि जो लोग वेट कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग अगर वेट कर रहे हैं अपने लवर का, तो वो अचानक से आपके पास अपेयर हो सकते हैं बहुत ही फास्ट गति से। लेकिन ध्यान रहे, अचानक से वो अपनी दिशा भी चेंज कर सकते हैं। उनकी सोच ऐसी है, आपके पार्टनर या जो पर्सन है उनकी सोच ऐसी है कि आपके एक टेंडेंसी से या आपके एक बिहेवियर से वो अचानक से अपनी दिशा चेंज भी कर सकते हैं और अपना स्थान या मूड भी बदल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के रीयूनियन होने के चांसेस हैं, कुछ लोग जो वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का वो आ सकते हैं। एंड एक टैरोट कार्ड से ये आया है जस्टिस, तो जस्टिस मुझे साफ लग रहा है कि अगर आप में से कुछ लोग किसी फैसले का इंतज़ार काफ़ी समय से कर रहे थे, या हो सकता है कोई रिलेशनशिप हो उसमें से आप अपने पर्सन के जवाब का इंतज़ार कर रहे थे, तो वहाँ से कुछ अच्छे पॉजिटिव मैसेज आ सकते हैं। आपके साथ जस्टिस हो सकता है, आपकी इच्छा पूरी हो सकती है, और जो रिलेशनशिप बैलेंस में नहीं जा रहे थे वो भी बैलेंस में आ जाएगी डिवाइन द्वारा। ये बहुत ही स्ट्रांग ब्लेसिंग्स भी है कि आपको जस्टिस मिलेगी। हो सकता है कोई कोर्ट केसेस चल रहे होंगे आपके फैमिली में या आपके जानने वालों में, वहाँ भी आपके फेवर में फैसले आने की उम्मीद है कोर्ट में। एंड कुछ प्रॉपर्टीज़ के भी जो फैसले पेंडिंग्स थे काफ़ी समय से, कुछ अटके हुए थे, जॉब के मामले भी अटके हुए थे, करियर वाइज भी कुछ नहीं हो रहा था, तो वहाँ पे अब जस्टिस मिलेगी आपको, और पूरी संभावना है कि चीज़ें आपके फेवर में जाने वाली, आने वाले कुछ दिनों में डिवाइन द्वारा। ये बहुत अच्छी ब्लेसिंग है कि लव के मामले में भी जस्टिस हो सकता है आपके साथ, और जॉब करियर के मामले में भी पूरा तरह से जस्टिस होने के चांसेस हैं। तो ये है आपके जो डिवाइन द्वारा जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जो मैसेजेस हैं आपके लिए, जो गाइडेंस है, वो सारी चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं कि बाकी जो एंजल मैसेजेस हैं डिवाइन द्वारा, जो भी मैसेजेस हैं वो बताई जाए आपको। तो पहला मैं कार्ड ले रहा हूँ डॉल्फिन स्पिरिट गाइड का,
एनिमल स्पिरिट गाइड से है, ये डेक से है डॉल्फिन। तो इसमें है कि आपकी जो इंटेलिजेंस पावर है कुछ दिनों में बहुत तेज होने वाली है, हाईली इंटेलिजेंट हो रहेंगे आप अपने फैसलों के लिए लाइफ में। और एक आप एक्टिव हीलर भी हैं जिसको आपको निखारना है अपने इंटेलिजेंस से। और एक आपके लिए राय है कि एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी शुरू कीजिए, आप लोग अध्यात्म की तरफ मुड़िए जहाँ आपको फ़ायदा हो सकता है। एंड काफ़ी कुछ चीज़ें हैं आप में जो अगर किसी चीज़ के लिए आप परेशान हैं या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक प्रकाश लाइट आएगा आपके लाइफ में जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। ब्लेसिंग्स है आपके पास डिवाइन की, और बहुत ही गहरा डीप आशीर्वाद है आपके पास डिवाइन का। एंड अपने इंटेलिजेंस से आप सब जगह विजयी रहेंगे। बस आपको एक चीज़ नहीं करनी है, यहाँ पे एनिमल स्पिरिट गाइड का एक डिवाइन द्वारा मैसेज है कि चीज़ों को अपने आप के जो पावर है आपके अंदर जो शक्ति है उसको अंडर स्टिमेट ना करें, यानी कि अपने अंदर जो आपको आत्मशक्ति है उसको जागृत करें और उसको छोटा ना समझें, आप किसी से छोटे नहीं हैं। तो एक बहुत अच्छा मैसेज निकल के आया है यहाँ पे। एंड मोनोलॉजी डेक से भी आपके पास एक अच्छा मैसेज आया है, देखते हैं, लेट्स सी। फुल मून इन एक्वेरियस का कार्ड है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो अपने इंटेलिजेंट से, जैसा कि ऑलरेडी मैसेज आया है, तो अपने इंटेलिजेंट से, अपने मेकओवर से, अपने आप पे सुधार की गुंजाइश करके आप दुनिया को दिखाइए कि आप क्या हैं, आप किसी से कम नहीं हैं, तभी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको वैल्यू करेंगे। एंड डिवाइन द्वारा एंजल से दो कार्ड निकल के आए हैं यहाँ पे। पहला है ट्रस्ट, तो आपको अपने आप में फेथ रखना होगा, अपने इंटेलिजेंट पावर में फेथ रखना होगा, और जो चीज़ें डिवाइन द्वारा आपको दी जा रही हैं उसमें आपको फेथ रखना होगा, ट्रस्ट रखना होगा। एंड उसके बाद आपकी लाइफ में सेकंड कार्ड है बिग हैप्पी चेंजेस। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे काफ़ी समय से कि कुछ चेंज आए लाइफ में, कुछ बदलाव हो, तो कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं, कुछ नए रिलेशनशिप बन सकते हैं आपके लाइफ में। एंड वो बदलाव बड़े होंगे आने वाले कुछ दिनों में, बहुत ही बड़े बदलाव आने वाले हैं आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ को बहुत ही चेंज कर देंगे और एक नई दिशा देंगे। तो पाइल वन के लिए बहुत ही बढ़िया रहा आज का ये डिवाइन गाइडेंस मैसेजेस ब्लेसिंग जो भी है। एंड बहुत ही अच्छा रहा, यहाँ पे अपने आप को पहचानिए और एक्शंस लीजिए इंटेलिजेंट पावर से, इंट्यूटिव पावर से। सो पाइल वन की रीडिंग यहाँ पे ख़त्म होती है, एंड लेट्स सी पाइल टू की रीडिंग देखते हैं। सो जिन्होंने भी पाइल टू चूज़ किया है एनिमल स्पिरिट गाइड से माउस का, सो देखते हैं कि क्या मैसेज डिवाइन के गाइडेंस हैं आप लोग के लिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं। तो पहले जैसा कि पाइल वन में हमने देखा, पाइल टू में भी मैं अभी क्लेरिफाई करूँगा ब्लेसिंग्स एंड मैसेजेस के से। सो पहले देखते हैं कि टैरोट से डिवाइन मैसेजेस गाइडेंस क्या है आपके लिए, लेट्स सी। सो पहला है पेज ऑफ कप्स, सेकंड है सिक्स ऑफ वैंड, एंड थर्ड वन स्टार, एंड फोर्थ वन इज स्ट्रेंथ। बहुत पाइल टू बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़बरदस्त आया है आपके लिए मैसेज। तो डिवाइन्स का पहला आपके पास ब्लेसिंग ही आया है, मैसेज से ज़्यादा, गाइडेंस से ज़्यादा एक ब्लेसिंग ही आया आपके पास पेज ऑफ कप्स का। क्योंकि जो लोग सिंगल हैं, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, पाइल टू जिन्होंने चूज़ किया है, तो आपकी लाइफ में जल्द ही बहुत ही एक नया प्यार आने वाला है और एक रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, नई रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ओल्ड की नहीं बल्कि नई। यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छा यंग वाइब आ रहा है आपके लिए, जो भी आप पर्सन है, मेल है, फीमेल है, थर्ड जेंडर सेम से जो भी है, तो यहाँ आपके लिए एक नया रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रहा है डिवाइन की तरफ से आपको भेजा जा रहा है, जो आपको प्रपोजल देगा या देगी, या आप भी ऑफर दे सकते हैं अगर आपको कोई पर्सन अगर लगता है कि हाँ ये आपके सोलमेट है तो आप दे सकते हैं। एंड एक्सपेंशन होगा, काम में भी एक्सपेंशन होने वाला है, आर्टिस्टिक रहेंगे आप लोग,
आर्ट से जुड़े काम करेंगे, बहुत सारे फायदे होने के चांसेस हैं उसमें। आपको कोई काम में भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, नई अपॉर्चुनिटी, जिस तरह से रिलेशनशिप पे मैंने बताया कि अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो काम में भी अपॉर्चुनिटी मिलने के पूरे चांसेस हैं। एंड काफ़ी क्रिएटिव लर्निंग रहेगी आपकी, काम का एक्सपेंशन, बिजनेस अगर आपने नया शुरू हुआ है उसका एक्सपेंशन होगा, फ़ायदा होगा। और सबसे अच्छी बात है कि कोई नया काम या कोई नया रिलेशनशिप आपके लाइफ में एक शुरुआत देने वाला है डिवाइन की तरफ से। एंड सेकेंड कार्ड है सिक्स ऑफ वैंड, तो यहाँ आपको डिवाइन की तरफ से एक बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग दी जा रही है। आने वाले कुछ दिनों में आपकी प्रोग्रेस होगी, काम में बहुत अच्छा करेंगे आप, और जिन चीज़ों के लिए आप तैयार थे, काम में मेहनत कर रहे थे, और आपको बीड़ा दिया गया था काम का, या आपने बीड़ा उठाया था काम का, एक काम का आपने, किसी भी तरह के काम का आपने, चाहे वो बिजनेस में हो, जॉब में हो, या कुछ और भी हो सकता है जो आप ही जान सकते हैं, तो जो भी काम हो उसमें आप उसको सक्सेसफुली पूरा करेंगे, आने वाले कुछ दिन पूरा कर लेंगे। एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ भी आ सकती है, आपको कहीं से कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, कोई अवार्ड मिल सकता है, डिवाइन ये मुझे बता रहा है। कॉन्फिडेंस आएगा, जो कॉन्फिडेंस लूज़ हो चुका था कुछ समय पहले तक। कुछ गोल अचीव करेंगे लाइफ में, जो आपने गोल माइंडसेट किए हुए थे, एक करियर वाइज एक बहुत ही बड़ा आपने कुछ सोचा हुआ था, उसको बहुत सक्सेसफुली पूरा करेंगे, अपना अचीवमेंट करेंगे गोल को। एंड लव के लिए भी रेडी हैं, जहाँ मैंने बताया उसको कॉम्प्लीमेंट करता हुआ ये मैसेज है डिवाइन द्वारा, कि आपको नया रिलेशन हो या किसी रीयूनियन करने के पर्पज़ से ही किसी रिलेशनशिप में, आप लोग बिल्कुल ही रेडी हैं और उसको आप करके रहेंगे। तो ये बहुत बढ़िया मैसेज आया है, सारे कार्ड कॉम्प्लीमेंट करते हुए लाइन पलाइन में आए हैं। द स्टार कार्ड तो है ही स्ट्रॉन्ग कार्ड अपने आप में, बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड है। तो विश फुलफिलमेंट तो होगा ही आपका, एंड आपकी लाइफ में बहुत तरह के अबंडेंस आ सकते हैं, चीज़ों को आप बहुत सक्सेसफुली हैंडल करेंगे। एंड जो भी चीज़ें पास्ट में नहीं हो पा रही थी, उनका अब होने का टाइम आ गया है, क्योंकि काफ़ी चीज़ को आप अचीव तो करेंगे ही, साथ में जो जो विश आपने सोच रखे थे वो अब पूरे होने के आ गए हैं। लाइफ में आप बैलेंस भी रखेंगे, आपके लाइफ में बैलेंस आएगी, डिवाइन आपके लाइफ में बैलेंस दे रही है आने वाले कुछ दिनों में, और वो सारी चीज़ें जो आपको एक सुख प्रदान करती है, भौतिक सुख जिसे आप कह सकते हैं, अबंडेंस कह सकते हैं, वो सारी चीज़ें आने वाली हैं। आप एक पॉपुलर इंसान भी आने वाले कुछ दिन में बन सकते हैं, पॉपुलैरिटी भी आपको मिल सकती है, और रिलेशनशिप्स में भी बहुत ही पॉजिटिव जाने वाला है, क्योंकि आप बैलेंस तो बना ही रखेंगे लाइफ में, और एक स्टडी लाइफ होगा आपका आने वाले समय में, जिसमें आपको लव, अबंडेंस, पैसे, मनी, सब चीज़ें होंगी। सो ये बहुत अच्छा मैसेज है, आप लोग में से कुछ लोग तो बहुत ही अच्छा समय आने वाला है, डिवाइन भगवान आपके देवी देवता है, आपको बहुत अच्छा ब्लेसिंग दे रहे हैं। स्ट्रेंथ, कुछ चीज़ों को करने में आपको डेयरिंग नहीं हो पा रही थी, हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, एंड वो चीज़ें आपको बहुत ही डरा भी रही थी, और आप में बहुत सारा कन्फ्यूजन था कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे काम बनेंगे मेरे, तो अब उसमें बहुत ही पावर आने वाली है आपको, डिवाइन आपके देवी देवता आपको एक ऐसी शक्ति देने वाले हैं जिससे आप चीज़ों को अपने अनुसार मोड़ लेंगे, अपने फेवर में मोड़ लेंगे, और आप कंट्रोल्ड, किसी चीज़ को आप कंट्रोल करने की पूरी पावर आने वाली है, और डिवाइन द्वारा आपको वो ब्लेसिंग मिलेगी जिससे आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस आएगा। यहाँ डिवाइन का साइन भी है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे किसी रिलेशनशिप में भी बहुत ही अच्छा होने वाला है, स्ट्रांग होने वाला है, कोई रिलेशनशिप जो है जो पहले से चला आ रहा है, और उस पर आपको थोड़ी शंका थी कि ये कब तक चलेगी, क्या चलेगी, थोड़ा डर भी था, लेकिन वो डर खत्म हो रहा है अब, क्योंकि अब उसमें बहुत ही स्टेबिलिटी आने वाली है, और बहुत ही स्ट्रांग रिलेशनशिप्स वक्त के अनुसार वो स्ट्रांग होता जाएगा, और चीज़ें आपके फेवर में होंगी, आपके पार्टनर के साथ आपका रियूनियन हो सकता है, नया रिलेशनशिप है तो वो और मजबूत हो सकता है,
कुछ लोगों की अगर तबीयत ठीक नहीं है तो उनकी हीलिंग होगी, तबीयत ठीक होगी और सुधार होने की पूरी गुंजाइश है। तो टैरोट से डिवाइन का मैसेजेस, ब्लेसिंग्स और गाइडेंस तो बहुत अच्छा रहा। आप देखते हैं क्योंकि और क्या ब्लेसिंग्स हैं। तो पहले देखते हैं कि एनिमल स्पिरिट गाइड माउस, जिन्होंने भी पहले चुना था पलटू के लिए, तो माउस का क्या अर्थ है और माउस से क्या आपको मिल सकता है, कैसी होने वाली यहाँ से गाइडेंस क्या है। तो जैसा मैंने ऑलरेडी कहा कि सब चीज़ से संपन्न हो जाएंगे आप लोग आने वाले कुछ दिनों में, पैसे से, प्यार से, काफ़ी सारे लोगों को चीज़ें मिलने वाली है। तो यहाँ माउस से भी ये वाइब आ रही है कि सारे साधन आपके पास प्रेजेंट रहेंगे, तैयार हैं, प्रिपेयर्ड हैं, और थोड़े से आप नर्वस और व्यस्त हो जाते हैं, नर्वस और व्यस्त भी रहते हैं किसी काम को लेके, तो वहाँ नर्वस नहीं होना है आपको। आपको एक चीज़ करनी होगी, यहाँ से एक स्ट्रांग मैसेज है कि आप जिन चीज़ों के लिए बेवजह बिजी रहते हैं, जिन चीज़ों पे बेकार ही अपना दिमाग खपा रहे हैं और जिन जो चीज़ें नहीं हो रही हैं, या कोई रिलेशनशिप या कोई काम या बिजनेस, अगर उसमें आपको संभावना नहीं नज़र आ रही है, तो प्लीज़ उसमें बेवजह लगे मत रहिए। उन चीज़ों को छोड़ के नई चीज़ें ट्राई कीजिए, नए रिलेशनशिप के लिए देखिए। ये स्ट्रांग मैसेज है। एंड मीनिंगफुल प्रोजेक्ट, मीनिंगफुल रिलेशनशिप और मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स पर ही ध्यान दें। छोटी चीज़ों के बारे में बिना वजह सोचना बेकार है। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज आया है। तो जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही, उससे बाहर निकलने के लिए मैसेज आया है। एंड मोनोलॉजी डेक से देखते हैं कि क्या मैसेज है आपके लिए। सो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ मून नोड का कार्ड है। तो आपने जो दायरे बना रखे हैं कि मुझे सिर्फ ये करना है, आगे कोई नई चीज़ ट्राई नहीं करनी है, अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना है, और उसमें क्या हो रहा है आपके साथ कभी कभी कि आप चीज़ों में फंस जा रहे हैं, आपके फेवर में चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, नई चीज़ें ट्राई कीजिए, मेकओवर कीजिए और कुछ नया ट्राई कीजिए। रिलेशनशिप भी जो टूट चुके हैं, तो पास्ट में आपको झांकने की, पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। कंफर्ट जोन से आगे नई रिलेशनशिप के बारे में सोचिए, अगर पुराना रिलेशनशिप वर्केबल नहीं है तो बहुत अच्छा मैसेज था। अब एंजल के मैसेज देख लेते हैं, डिवाइन द्वारा जो एंजल से मैसेज दिए गए हैं आपके लिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, हेल्पफुल पीपल। तो आप जहाँ भी किसी वर्क में अगर हाथ डाल रहे हैं, किसी बिजनेस में, काम में, या किसी रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, बिना जाने सोचे आप चाह रहे हैं उस रिलेशनशिप में जाना, तो प्लीज़ यहाँ पे एक मैसेज है डिवाइन का, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, जिस सोलमेट अगर किसी को बनाना चाहते हैं या पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो उनके बारे में सारी चीज़ें पता कीजिए। उससे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनेगा। तो यहाँ पे देखते हैं एक और कार्ड है हेल्पफुल पीपल का। तो अगर आपको थोड़ा सा भी काम में शंका है, अगर चाह रहे हैं कि अकेले डिसीजन मैं नहीं लूँ, कुछ लोगों से राय लेना पड़ सकता है इसमें, तो कुछ जो लोग आपकी मदद करते होंगे, जो सच्चे लोग होंगे, जिनसे आपकी, चाहे वो फ्रेंड हो चाहे फैमिली लोग हैं, तो वहाँ से आप मदद ले सकते हैं, सजेशंस ले सकते हैं। इससे आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा बैलेंस आएगा और अच्छा सजेशन मिल सकता है, अगर आप खुद फैसले नहीं ले पा रहे हैं तो। पाइल टू के लिए भी बहुत अच्छा मैसेज है यहाँ पे आपके लिए, बहुत ही पावरफुल होने वाला है डिवाइन की तरफ से। बहुत अच्छा गाइडेंस मिला है आपको, आने वाले समय में ब्लेसिंग्स मिल रही है, मैसेजेस बहुत ही क्लियर हैं। सो अभी के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओम नमः शिवाय।